हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो चार मिस्टेक्स जो बच्चे एग्जाम में अक्सर करके आते हैं, और अगर आप इन मिस्टेक्स को नहीं करते हैं तो आप बहुत ज्यादा अपने मार्क्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और नेगेटिव मार्किंग से बच भी सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन चार गलतियों के बारे में आपको बताने की। सबसे पहले जो गलती आप करते हो टाइम मैनेजमेंट वाली। टाइम मैनेजमेंट के सेंस में आपको पेपर करते हो, मुझे पता है टाइमली पेपर कंप्लीट भी कर लेते हो, पर उसमें मिस्टेक हो जाती है आपसे। वो क्या होती है, जब आप क्वेश्चन पेपर कर रहे होते हो आप टाइम के ऊपर जो आपके राइट साइड में जो घड़ी बचती रहती है, जो लगातार टाइम कम होता रहता है, उस घड़ी पे ध्यान नहीं देते हो। और कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आपने दो क्वेश्चन में आधा घंटा निकाल दिया सोचने में और आपने घड़ी देखी नहीं। तो ये मिस्टेक आप ना कीजिए, फिर बाद में भागम भाग हो जाती है कि हाँ भाई अब फटाफट से करना है, जिसकी वजह से आप नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाते हो। तो इसलिए आपको इस चीज से बचना है। क्वेश्चन करते करते आपको घड़ी पे भी ध्यान प्रॉपरली रखना है कि हाँ भाई घड़ी चल रही है, इस पे हम प्रॉपर ध्यान रखें। दूसरी गलती है रफ शीट का यूज नहीं करने। कुछ बच्चे सोचते हैं कि रफ शीट तो बेकार में होती है, हम तो सारा काम दिमाग में ही कर लेते, बेकार में ये लोग रफ शीट देते हैं। नहीं, रफ शीट का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जो एग्जाम में आपको यूज करना है रफ शीट दी गई है, यूज कीजिए उस चीज को। आप बच्चे क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, माइंड में कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। अच्छी बात है, माइंड में कैलकुलेशन कीजिए। अगर सवाल कुछ इस हिसाब से आता है कि भाई 2 × 3 करना है तो उसको माइंड में करना चाहिए, 6 हो गया। लेकिन अगर सवाल आ जाए 16 × 12 तो दिमाग में करने की कोशिश ना कीजिए। उससे क्या होगा, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा और गलती होने के चांसेस भी होंगी। आपको रफ शीट दी गई है, रफ शीट पर लिखिए, चाहे ओरली कर लीजिए, 2 × 12 आंसर लिखिए, लेकिन 100 रफ शीट पे कीजिए। पता भी चलेगा गलती कहाँ पे हो रही है, समय आपका कम लगेगा। आपको पता नहीं चलता पर सोचने में आप इतना समय लगा देते हैं, वो घड़ी भागती रहती है। आपको पता भी नहीं चला कि सोच रहे हैं आपने कितना समय लगा दिया। तो जो थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन हुई उसको रफ शीट में लिखिए और फिर सॉल्व कीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीरीज का सवाल लिया, वहीं पर डायग्राम बनने लग जाएंगे, उसको बनाने लग जाएंगे ऐसे ऐसे करके। नहीं, ये काम नहीं करना। सीरीज को कॉपी में लिखिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए उसको। इतना समय वहां लगाएंगे, उससे कम समय में यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी गारंटी, और सही एक्यूरेसी के साथ आपकी सॉल्व होगी। दूसरी मिस्टेक मेनली ये लोग ये करते हैं, रफ शीट का प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करते उसको। थर्ड मिस्टेक है नेगेटिव मार्किंग। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आप लोग आजकल बच्चे आते करते हैं। सवाल कर रहे हैं, मान लीजिए कोई जीके का सवाल आया, चांसेस है कि या तो ए होगा या फिर बी होगा, सोचते तुक्का लगा देते, भगवान साथ दे ही रहा है हमारा तो कोई बात नहीं, जय माता दी करके तुक्का लगा दिया। पर नहीं, ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको इस चीजों से बचना है। अगर आपको लगता है कि आप 100% श्योर है, पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर आप लोग, अगर आपको लगता है कि आप 100% श्योर है तभी उसका आंसर मार्क करें, वरना उसका आंसर मार्क ना करें। आपके पास राइट साइड में लिखा होता है, एक ब्लॉक्स बने होते हैं, आंसर्ड, नॉट आंसर्ड, मार्क एज रिव्यू, मार्क्ड आंसर्ड एंड मार्क एज रिव्यू। आप क्या कीजिए, नीचे राइट साइड में कॉर्नर में लिखा होगा मार्क एज रिव्यू करके लिखा होता है एक ऑप्शन, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो वो क्या होगा, क्वेश्चन जो है पर्पल कलर का हो जाएगा। इससे जब क्या होगा, जब आप पूरा पेपर कर लेंगे तो वापस आप देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन पर्पल कलर के हैं, तो आप उसको पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या पता हम उसको अब कर लें। समझ में आया। लेकिन तुक्का अगर लगा दोगे उस समय कि हमें लगा दिया और उसके बाद ढूंढने चलोगे, एक तो ढूंढने में भी टाइम वेस्ट होगा आपका, और वो क्वेश्चन मिले या ना मिले उसकी कोई गारंटी भी नहीं होती है। इसलिए आप पर्पल कलर का मार्क लगता है, मार्क के रिव्यू लगा के वो आप करते चलिए जहां भी आपको डाउटफुल लगे, और बाद में तो पूरा पेपर कर लेते तब कीजिए। और उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी तब करना है जब आपको लगता है कि मेरे टोटल क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए हैं। अगर आपका 80-85 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं तो उन पे टाइम वेस्ट ना कीजिए, क्या पता नेगेटिव हो जाए ना। अगर आपके क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए, आपको लगता है कि भाई मैं 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करके कुछ और मार्क्स लेके आ सकता हूँ या सकती हूँ, तभी आप उनको अटेम्प्ट करें, वरना अटेम्प्ट ना कीजिए। ये सबसे बड़ी नेगेटिव मार्किंग का रोल रहता है, बच्चे तुक्का लगा के आगे बढ़ जाते हैं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। चौथी और आखिरी मिस्टेक जो आपको करते हैं बच्चे मेनली देखा गया है ये, वो है मार्क एज रिव्यूज। मतलब जो सीबीटी ऑनलाइन पेपर की जो फंक्शनैलिटी है कि जो मार्क एज रिव्यू, नॉट मार्क एज रिव्यू दिखता है, उसका प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करना। जब आप मार्क करते हैं तो दो तरीके से मार्किंग होती है, एक तो आपका सीधा गोला जो है पर्पल कलर का हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, यहाँ पे एक लॉक बन जाता है, ऐसे करके एक लॉक बन जाएगा। दो तरीके की मार्किंग होती है, इन दोनों में फर्क क्या होता है,
अगर आपने मान लीजिए चार ऑप्शन है, आपने कोई आंसर टिक लगाया, ये वाला आंसर हुआ, और उसके बाद मार के रिव्यू किया, तो आपका ये वाला ऑप्शन बनता है। अगर आपने आंसर नहीं लगाया है, केवल आपने मार के रिव्यू किया है, तो आपका ये बनता है। इनमें फर्क क्या होता है? अगर आप आंसर लगा के मार के रिव्यू करोगे, तो ये वाला सिंबल बनेगा, लॉक लगा होगा। उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए आपको वो क्वेश्चन देखने का समय नहीं मिला, एंड में आपका पेपर ही पूरा हो पाया और आप वापस क्वेश्चन को नहीं देख पाए, तो जब आंसर्स देखे जाएंगे तो वो क्वेश्चन भी काउंट होगा आपका। अगर आपने सही मार्क किया है उसका नंबर मिलेंगे भी, अगर आपने गलत मार्क किया है उसका नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसलिए आपसे बोला जाता है कि कभी भी आंसर लगा के मार्क रिव्यू ना कीजिए। आप क्या करें, सिर्फ मार्क रिव्यू कीजिए, बिना आंसर लगाए आप मार्क रिव्यू करेंगे, आपका पर्पल कलर का होगा। इन केस आपको वापस देखने का समय नहीं मिलता है क्वेश्चन को, एटलीस्ट वो आपके नेगेटिव में नहीं जाएगा, पॉजिटिव में ही जाएगा, उसका कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ये चार मिस्टेक्स है, लगता है कि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, पर आप एग्जाम देने जब जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता कि ये चार गलती कब आपसे हो जाती है, और आप इनमें ध्यान भी नहीं देते। तो इन चारों पर ध्यान देंगे तो आप नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे और कुछ समय आपको मिलेगा क्वेश्चन को अच्छे से करने का। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न होना चाहिए करने का। एक और वीडियो आपके जल्दी आ जाएगी कि आपको क्वेश्चंस किस हिसाब से अटेम्प्ट करने हैं, पहला किसको अटेम्प्ट करें, और अगर मिक्स क्वेश्चन दे रखे हो, मतलब जीके रीजनिंग मैथ्स मिक्स में हो, तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, शाम को आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि NTPC का एग्जाम 2 करोड़ लोग देने वाले हैं और आजकल का हर दूसरा बच्चा ये गलती करता है, क्योंकि आपको इतना आइडिया नहीं रहता है ऑनलाइन एग्जाम में किस तरीके से हमको करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे भी होंगे जो पहली बार एग्जाम देने आ रहे होंगे, तो शेयर कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो को देखना है अगर आप चाहते हैं प्रॉपरली देखें कैसे हम पेपर को अटेम्प्ट करें, मिक्स क्वेश्चन को कैसे करें, उसके नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे कि उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।